नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगीश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया और इसके बाद प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि जब तक बिहार के डिप्टी सीएम इस्तीफा नहीं देते तब तक विधानसभा को चलने नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, सदन की लड़ाई को हम सड़क पर ले जाएंगे, जनता के बीच ले जाएंगे। सुनिए प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने मीडिया से क्या कुछ कहा। और सत्ताधारी दल के विधायक का कई पूरक पूछने का अवसर देकर समय को बर्बाद किया गया और ये संजोग नहीं है, ये योजनाबद्ध ढंग से सत्ताधारी दल के दबाव में हमारा खुद का अल्पसूचित प्रश्न जो अगवानी पूल 1717 करोड़ का था, जो भ्रष्टाचारियों का भेंट चढ़ गया और पानी में दह गया, इस पर चर्चा नहीं हो, ये प्रश्न सभा पटल पर न आ सके, इसके लिए उन्होंने पथ निर्माण मंत्री जो यहां के उप मुख्यमंत्री भी हैं, चार सीटेड भी हैं, उनको बचाने के लिए सरकार के दबाव में सदन की कार्यवाही स्थगित करना विधायकों की बात नहीं सुनना और विधायक को मार्शल के द्वारा अपमानित कराना ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसे लोग जो सरकार में बैठे हैं न इनको संविधान में विश्वास है, न संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं और न ही संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हैं। विपक्ष का अधिकार है बिल में जाना, अपनी बात को रखना। अब विपक्ष की कुर्सी हटा रहा हो तो मार्शल से खींचा खींची कराना स्वाभाविक है। विधायक को उत्तेजित करने का ये कार्यवाही है और ऊपर से कार्रवाई करने की धमकी देना, ये सदन चलाने की मंशा कतई नहीं हो सकता। जवाब क्या मिला सर उसका, जो आपका रिपोर्ट था उसका जवाब स्थगित स्थगित कर दिया गया? नहीं, ऑनलाइन जवाब तो मिला होगा। हाँ, पढ़ देते हैं। हमने 10 लाख नियुक्ति का मामला उठाया था, शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा, समान वेतन, समान काम का समान वेतन, कृषि सलाहकार पर लाठी क्यों, संविदा कर्मियों को भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों, वित्त रहित शिक्षकों के अनुदान में कटौती क्यों, इन तमाम प्रश्नों का जवाब सरकार ने नहीं दिया। 33 वर्ष की उम्र में 52 संपत्तियों का मालिक कैसे बने, बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहने वाले, अपने को सत्यवादी बताने वाले, ये तो जवाब दे, जनता पूछ रही है। 33 वर्ष की उम्र में 52 संपत्तियों का मालिक कैसे बना, 150 करोड़ का बंगला दिल्ली में कैसे आया,
750 करोड़ का मॉल का खेल कैसे हुआ ये तो बताना होगा मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का समझौता कुर्सी के लिए सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले लोग बीजेपी को उपदेश देते हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है इन प्रश्नों का जवाब कि बिहार भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में चलेगा या भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा मुख्यमंत्री को बताना होगा। स्पष्ट करना होगा उनको सदन के अंदर अघोषित आपातकाल लगाए हुए हैं और सदन के बाहर इनका आपातकाल शिक्षकों को जिस तरह से गिरफ्तार करके उनके नेताओं को उनको रोक करके लोकतांत्रिक पद्धति से आंदोलन करने से रोका गया, कृषि सलाहकार पर लाठी बरसा करके अपने आताताई सामंतवादी प्रवृत्ति को इन्होंने स्पष्ट किया। ये भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी सरकार के जंगल राज को मुख्यमंत्री आपने जनता राज कहा था, लेकिन ये तो गुंडा राज में तब्दील हो गया। सड़क से सदन तक उसी तरह का व्यवहार हो रहा है। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा को किस तरह से तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है और आपका मौन सत्ता और कुर्सी के लिए बिहार को अराजकता में ढकेल रहा है। हम लोग जंगल राज से भी लड़े थे और आपके इस गुंडा राज के भी विरुद्ध कल विधानसभा मार्च करेंगे गांधी मैदान से। और कितनी दमन करने की ताकत है, खुला चुनौती है आपको। सड़क पर भी और सदन में भी लड़ेंगे और ये लड़ाई बिहार के हर गांव तक जाएगा। लोकनायक के उस अधूरे सपने को कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने को, उस सपना को पूरा करेंगे।